सीपीआईएमएल डेमोक्रेसी कांग्रेस सारे पार्टी के लोग एक्सेप्ट टीआरएस बीजेपी, ये दो पार्टियों को छोड़कर सारे किसान और सारे देश के लोग आज किसानों के साथ है। और ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन की वजह से आज कई किसान रोडों पर बैठकर अपना घर, अपनी खेती, अपना गांव, अपना स्टेट छोड़कर दिल्ली बॉर्डरों पे और राजस्थान, हरियाणा और जो सो पंजाब, इसी तरीके से छत्तीसगढ़, पूरे स्टेट के किसान एक जगह आकर ये बताने की कोशिश कर रहे कि ये जो तीन काला कानून है ये किसानों के नुकसान में है। इसमें एमएसपी प्राइस नहीं है। अगर किसान अगर इतराज़ करता है तो इतराज़ नहीं कर सकता, कोर्ट को नहीं जा सकता। हमारे हिंदुस्तान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट को आप जा सकते बोल के कॉन्स्टिट्यूशन में रहने के बाद भी, इस कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में रहते पर भी हम कोर्ट को नहीं जा सकते। आप आरडीओ को अप्लाई करना बोल के है, अपील करना बोल के। इसीलिए किसान आज रोड पे आकर एहतजाज कर रहे हैं। और जिस तरीके से जय जवान जय किसान का जो नारा है, जो नारे के लिए आज किसान, सारे किसान और सारे देशवासी रोड पर ये बात का एहसास दिलाना चाह रहे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कि आप जो कानून लाए हैं इस कानून से नुकसान है। और कोई भी बिल लाने से पहले पार्लियामेंट में चर्चा होता, बहस होती कि ये सही है या गलत है, बगैर चर्चा करे के ये कानून को पास किया गया। अपोजिशन को उसका बात करने का टाइम नहीं दिया गया और रातों रात ही जो सो अटानी अंबानी को जो सो इसका फ़ायदा होने के लिए कई गोदाम, करोड़ों अरबों रुपए के गोदाम, सबों एकड़ों पे गोदाम बिल पास होने से एक साल पहले से बनना चालू है। जमाखोरी, अगर आज आप 3 रुपए किलो टमाटा ले रहे हैं और ये जमाखोर ले जाकर अगर जमा करते हैं तो यही टमाटा आपको 30 रुपए किलो बेचेंगे। ये ना किसान को फायदा होगा, ना आम आदमी को फायदा होगा। कुछ लोग अगर ये समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ किसानों को नुकसान होने का बिल है, नहीं, ये आम आदमी को भी नुकसान होने वाला है। आपका आलू, आपकी प्याज, आपका चावल, आपका घी अगर जमाखोरी में जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए के जो सो सबों एकड़ों के जो गोदाम है, उस गोदाम में अगर जो सो अनाज अगर डंप हो जाएगा तो आप लोगों को ये बाहर कहीं नहीं मिलेगा, किसान के पास नहीं, कहीं नहीं, ये सिर्फ जमाखोरों के पास मिलेगा। इसीलिए आज अकेला पक्षम आदिलाबाद पूरी तरीके से, आज जो चक्का जाम 3 घंटे 4 घंटे का जो चक्का जाम किसानों ने दिया, उनकी मदद के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी हमारी टीम अकेला पक्षम के साथ यहाँ पे रास्ता रोको धरना कर रही है। अगर ये कानून वापिस नहीं लिया गया तो वही हमारा जो आज 75 दिन से हमारे किसान जो कर रहे हैं उनकी मदद के लिए, जो जिस तरीके से हमारे आदिलाबाद के अकेला पक्षम काम कर रही है, आगे भी इसी तरीके से गली से लेकर दिल्ली तक हम एहतजाज करेंगे।